अस्सलामुअलैकुम व्यूबर्स, टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू टेक्नो स्पार्क 4। जब आप लोग देख रहे हैं कि बॉक्स और डिवाइस दोनों हमारे पास मौजूद हैं, तो सबसे पहले इसके बॉक्स की जाने बात है और देखते हैं कि इसके बॉक्स पर कंपनी वालों ने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं और इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ दी हुई है। तो सबसे पहले जी फ्रंट की बात करते हैं। फ्रंट पर इन्होंने जो डिवाइस है उसकी पिक्चर दी हुई है, जो कि ब्लू कलर में और काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। ऊपर वाली साइड पर सिर्फ टेक्नो लिखा हुआ है, निचली जाने बी टेक्नो लिखा हुआ है। और इस साइड पर आए तो इन्होंने इधर कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन की हुई हैं, जिस तरह के इसका फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर, इसका डिस्प्ले जो कि 6.5 इंचेस पर मुश्तमिल है। उसके अलावा इसका जो कैमरा इधर मेंशन किया हुआ है कि इसका जो मेन कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है। इस जाने पर तो इधर इन्होंने इसकी स्टोरेज और जो रैम वगैरह वो मेंशन किए हुए हैं, और निचली जाने बाद उन्होंने काफ़ी डिटेल के साथ अपनी स्पेसिफिकेशन मेंशन की हुई हैं। ये आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है कि इस डिवाइस का नाम जो है वो टेक्नो स्पार्क 4 है। इसके अलावा इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड 9.5 पर मुश्तमिल है। प्रोसेसर जो इसका है वो ऑक्टाकोर 2.0 GHz पर मुश्तमिल है। जो नेटवर्क इस जो सपोर्ट करता है वो GSM, WCDMA और LTE वो सपोर्ट करता है। इसके बाद इसकी डायमेंशन इन्होंने मेंशन की हुई है जो कि 165.28 × 75.9 × 8.2 mm थिकनेस इसकी दी हुई है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले इसका फिर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये 6.5 इंचेस पर मुश्तमिल है, जो कि HD+ और डॉट नॉच स्क्रीन पर मुश्तमिल है। इसके बाद इसके जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है वो 720 × 1600 है। और इसके में जो कनेक्टिविटी दी हुई है वो GPS है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, FM है और OTG को सपोर्ट करता है। उसके अलावा इसका जो कैमरा है, जो मेन कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है, और जो इसका फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो वो 4000 mAh की है। और जो सेंसर इसमें दिए गए हैं वो है जी सेंसर, लाइट सेंसर, प्रोमैक्सिटी सेंसर और फिंगरप्रिंट सेंसर। तो ये थी जी कुछ इस डिवाइस के बॉक्स की इंफॉर्मेशन। तो अब चलते हैं इसको बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो ये मैं अभी बॉक्स ओपन करके आप दिखा देता हूँ। ये पहले से ही सेल्फ अनबॉक्सड है। तो सबसे पहले इसकी जो सिम इंजेक्टर पिन वो है जी। इसके बाद ये इसका सिलिकॉन का केस दिया हुआ है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब भी कोई नई डिवाइस मार्केट में आती है तो कवर का बहुत ज़्यादा इशू बनता है, तो प्रोडक्शन के हिसाब से ये अच्छी बात है। उसके अलावा इन्होंने एक जो कार्ड दिया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि इस डिवाइस की जो वारंटी है वो 1 साल से प्लस करके 1 माह बढ़ा दी है, जो कि 13 मंथ पर मुश्तमिल होगी। इसके अलावा इसके जो पेपर वर्क वगैरह ये दिया हुआ है और इसका वारंटी कार्ड जो इंटरनेशनल वो ये है। इसके अलावा इसकी जो चार्जिंग केबल है उसकी बात कर लेते हैं। चार्जिंग केबल जो इसकी है जी माइक्रो USB पर मुश्तमिल है, ये आप लोग देख रहे हैं। उसके अलावा इसके चार्जर की बात करते हैं तो जो इसका चार्जर है वो फास्ट चार्जिंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, कि 5 वोल्ट और 1.2 एम्पीयर पर मुश्तमिल है इसकी जो पावर वगैरह है। इसके बाद इसके जो हैंड फ्री इन्होंने दिए हुए हैं, ये आप लोग देख रहे हैं कि इसके हैंड फ्री इधर इन्होंने अपनी ब्रांडिंग भी मेंशन की हुई है टेक्नो की, और ये इसके हैंड फ्री हैं जो कि अभी तक मैंने टेस्ट नहीं की इनकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो ये तमाम चीज़ें इसके बॉक्स में थी। ये मैं अभी साइड पर कर देता हूँ, ये इसका कवर भी हटा देते हैं। अब आते हैं जी डिवाइस की जाने। डिवाइस का पहले फिज़िकल ओवरव्यू करते हैं कि फिर डिवाइस में फिज़िकली क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहले बैक की बात करते हैं, तो जो इधर उन्होंने दिया हुआ है ये फिंगरप्रिंट सेंसर है। फिंगरप्रिंट सेंसर के अलावा ये इसका LED फ्लैश ट्रिपल कैमरा के सेटअप के साथ इधर इन्होंने स्टिकर दिया हुआ है जिस पर इसके एमई नंबर वगैरह मेंशन किए हुए हैं, और यहाँ इसकी ब्रांडिंग दी हुई है टेक्नो की। इस जाने पाएँ तो इधर इन्होंने सिर्फ सिम कार्ड इन जो ट्रे है वो दिए हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस कितनी सिम को सपोर्ट करता है। तो ये मैं अभी सिम कार्ड ट्रे इसको निकाल रहा हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो ट्रे है ये 2 सिम और एक ही वक्त में SD कार्ड को सपोर्ट करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम इसको लगा देते हैं और इस जाने बाएँ तो इधर इन्होंने इसका वॉल्यूम रॉकर की और साथ में पावर ऑन ऑफ की दी हुआ है। फ्रंट वाली साइड पर आए तो इधर सिर्फ इन्होंने सिंगल कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल पर मुश्तमिल है, और इसका एयर पीस दिया हुआ है। अब डिवाइस को ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका डिस्प्ले कैसा है।
ये सेल फोन अब स्टार्ट हो रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं कि स्पार्क लिखा हुआ सामने आ गया। तो ये सेल फोन पहले से ही लॉक्ड है, इसलिए इसका अनलॉक इसको करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसके इंटीरियर में कौन से सॉफ्टवेयर वगैरह और इसका डिस्प्ले की क्वालिटी वगैरह पर बात करते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक इसने सही से स्टार्ट नहीं लिया, डिवाइस को एक बार फिर अनलॉक कर मांग रहा है। तो ये मैंने पिन दिया है, तो ये देखें कि डिस्प्ले इसका जो है वो IPS है, 6.5 इंच पर मुश्तमिल है, जो कि कलर क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आपको इसका सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ कि इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। तो ये सिस्टम में आते हैं, तो इधर भी उन्होंने काफ़ी सारी अपनी जो स्पेसिफिकेशन है वो मेंशन की हुई है, जो कि 3 GB इसके रैम है, 32 GB इसकी स्टोरेज है, 8 MP इसका फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा जो है वो 13+2 MP प्लस VGA पर मुश्तमिल है। जो इसका CPU है वो 2.0 GHz क्वाड कोर है। उसके अलावा इसकी जो बैटरी है वो 4000 mAh की है और 720x1600 MP पर इसका जो डिस्प्ले है वो मुश्तमिल है, पिक्सल पर मुश्तमिल है। उसके अलावा इसका एंड्रॉयड पाई यानी कि एंड्रॉयड 9 पर ये चल रहा है। तो ये मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये एंड्रॉयड 9 है, इसमें इंस्टॉल्ड है, तो एंड्रॉयड 9 पर ये वर्किंग है। ये इसका आप लोग देख लें इसके ग्राफिक्स वगैरह, इसके आइकॉन वगैरह आप लोग देख लें। इसके बाद ये इसके कैमरे की जाने बात हम देखते हैं कि इसका कैमरा क्वालिटी किस तरह की है। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि इसका कैमरा सही है तकरीबन, बाकी इसके जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है उसमें एक डेप्थ सेंसर दिया हुआ है, एक मेन कैमरा है और एक UVGA कैमरा है। कैमरे में काफ़ी सारे मोड्स भी दिए हुए हैं जिनकी मदद से आप अपनी जो फोटोग्राफी उसको मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। फ्रंट कैमरे की जानेब है तो फ्रंट कैमरा 8 MP का है, जो कि बहुत ही नॉर्मल अच्छा कैमरा है कह सकते हैं, ठीक ही है। तो इसमें काफ़ी सारे AR इमोजीज भी दिए हुए हैं, उनको लगाकर आप अपनी तस्वीर को मज़ीद फनी या अच्छा बना सकते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे मोड हैं, जो एक बात मैंने देखी है इसमें स्लो मोशन और टाइम लैप्स वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है। बाकी ये डिवाइस थी जिसको हमने आज अनबॉक्स समझे किया है। इसके अलावा अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले दिन में अच्छी अच्छी वीडियोस हासिल होती रहें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ या अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।